जल्द ही गर्मियों की छुट्टियां लगने वाली हैं और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं इन दैट केस आपको ड्राइंग बुक्स की ज़रूरत पड़ती ही है। बट वॉट इफ अगर आपके पास एक प्रिंटर है तो आप ये ड्राइंग बुक्स ईजिली घर में क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट में अगर हम ड्राइंग बुक्स की बात करें काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, अराउंड 40-50 रुपीज़ में हार्डली 8-10 पेजेस मिलते हैं जिसे बच्चे एक दिन में ही कलर करके ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप चाहें तो घर बैठे बैठे अपने लिए एक कार्टून बुक क्रिएट कर सकते हैं इन केस यू हैव अ प्रिंटर। तो चलिए देखते हैं आप अपनी कार्टून बुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों कार्टून बुक क्रिएट करने के लिए आप सिंपली ओपन कर लें अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद अपने पेज के लेआउट को आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप एक सीधा पेज चाहते हैं इन दैट केस आप लेआउट को डिफॉल्ट रहने दें, एल्स आप जा सकते हैं लेआउट, ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन चेंज कर लें। नेक्स्ट मार्जिन को हम कर लेंगे नैरो और उसके बाद अब हमें यहाँ पे ड्राइंग्स को पेस्ट करना होगा। ड्राइंग्स कहाँ से मिलेंगे आपको, आप विजिट कर लें यहाँ पर गूगल और गूगल में आप सिंपली सर्च कर लें कलरिंग पेज फॉर किड्स विद कलर और इसे आप सर्च करें। नेक्स्ट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इमेजेस एंड सी इमेजेस में काफ़ी सारी इमेजेस आपको देखने मिल जाती हैं। जैसे सपोज मुझे इसका एक ड्राइंग पेज क्रिएट करना है, आप सिंपली इस पर राइट क्लिक कर लें और क्लिक कर लें सेव इमेज और इसे सिस्टम में कहीं पर भी सेव कर लें। इन द सेम वे सेकेंड इज दिस वन या फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं अगेन सेव इमेज सेव। थर्ड इमेज सेव कर लेंगे यहाँ पर सेव इमेज एंड अगेन सेव इमेज एंड सेव। तो यहाँ पर मैंने चार इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं और अब इन चारों को हमें इंपोर्ट करना होगा एमएस वर्ड में। आप सिंपली इन चारों को सेलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें और वर्ड में आके पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आप इनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज दे दें। इस प्रकार से आप रिसाइज कर सकते हैं हर इमेज को और इसे पेज में मूव करने के लिए आपको जाना होगा रैप टेक्स्ट एंड टाइट और इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। इन द सेम वे सेकेंड इमेज को भी रिसाइज कर लेंगे। थर्ड इमेज अब हम देख सकते हैं इस इमेज में ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आप रिमूव करने के लिए चले जाएं पिक्चर फॉर्मेट क्रॉप और आप इसे क्रॉप कर लें। एंड फोर्थ इमेज को भी रिसाइज कर लेंगे अगेन पिक्चर फॉर्मेट टेक्स्ट रैप एंड टाइट। तो यहाँ पर हमारे पास चार इमेजेस हैं बट सिर्फ दो ही पेजेस हैं। अब चले जाएंगे इंसर्ट ब्लैंक पेज और जो एक्स्ट्रा इमेजेस हैं हम उन्हें मूव कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और जो इमेज आप मूव नहीं कर पाते उनके लिए आपको जाना है पिक्चर फॉर्मेट रैप टेक्स्ट एंड टाइट अगेन इसे मूव कर लेंगे। इस कलरिंग बुक के लिए भी क्रॉप टेक्स्ट रैप टाइट इंसर्ट ब्लैंक पेज। तो इस प्रकार से हमारे पास कलरिंग बुक के लिए चार पेजेस रेडी हो चुके हैं। आप जितने चाहें उतने पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। नॉट इवन कार्टून कैरेक्टर्स, आप चाहें तो कोई भी मूवी कैरेक्टर्स भी सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार की ड्राइंग्स आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मिल जाएंगी। और अब इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जाएंगे डिज़ाइन पेज बॉर्डर्स और यहाँ से हमें पेज बॉर्डर सेलेक्ट करनी होगी। बट नॉर्मल बॉर्डर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कलरिंग बुक बच्चों के लिए होगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर आर्टिस्टिक या आर्ट। और यहाँ से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप वो एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें एंड ओके एंड सी द कलरिंग बुक। ये है मेरी कलरिंग बुक के चार पेजेस। अब आप चाहें तो इन चारों पेजेस को घर पर अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। और इस प्रकार की ड्राइंग बुक अगर आप क्रिएट करते हैं अराउंड 10 पेजेस की और घर पे ही प्रिंटर अवेलेबल है तो हार्डली ये आपको 10 रुपीज़ में रेडी होकर मिल जाएगी। और बच्चों को जितने अलग अलग क्रिएटिव ड्राइंग्स आप चाहते हैं उतनी ड्राइंग्स आप दे सकते हैं रदर देन डिपेंडिंग ऑन द बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये बुक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका भी प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ यूज़फुल देखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।